नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग साथियों ने मुझे पास पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पास अवतार सिंह सिंधु पास, 9 सितंबर 1950 से लेकर 23 मार्च 1988 ठीक इनका समय है। पास का जन्म पंजाब के तलवंडी सेलम नामक गांव तहसील नुकेदार जिला जालंधर में आज़ादी के 3 वर्ष बाद हुआ था। वे 20वीं सदी के 8वें और 9वें दशक में उभरे पंजाब के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पास समकालीन पंजाबी साहित्य में पुरेटकर थिएटर के सांस्कृतिक टिप्पणीकार हैं। वे नक्सलवाड़ी आंदोलन से प्रभावित अपने प्रतिरोधी स्वर के लिए प्रसिद्ध हैं। पास जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया संदर्भ विधान विकसित कर उसे तीखा किंतु सृजनात्मक तेवर दिया। पास एक कवि थे, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ बहुत साफ थी। अतः पास की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं, जिसमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। उनकी कविताओं के संग्रह पंजाबी जो संग्रह हैं, लव कथा 1970 में, उड़दे बांजा बांजा मगर, उड़दे बांजा मगर 1974, सांडे सामिया बीच 1978, लड़ांगे साथी लड़ांगे साथी 1988, खिलरे होए वरके। देश विदेश की अनेक भाषाओं में पास की कविताओं का अनुवाद हुआ है। वे युवा वर्ग के चहेते क्रांतिकारी कवि हैं। 23 मार्च 1988 को मात्र 38 वर्ष की आयु में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पास की कविता में अविदार्थ को लक्षित करने से पहले हम अविदार्थ जान ले कि अविदा है क्या। अविदा एक शब्द शक्ति जिससे प्रचलित और मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है, अर्थात शब्दों का सीधा अर्थ, शब्द की जिस शक्ति द्वारा शब्द विशेष का साक्षात सांकेतिक बोलचाल में प्रचलित मुख्य कोशगत अर्थ प्राप्त होता है, उसे अविदा कहते हैं। जैसे बहुत प्रसिद्ध कविता है सबसे खतरनाक, उससे एक पंक्ति हम लोग लेते हैं कि पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस अविदा, देख लीजिए इसका किस तरह से अर्थ। शब्द शक्तियां हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में 3 बताई गई हैं, अविदा लक्षणा व्यंजना, जिसके वाचक शब्द देखें तो अविदा के वाचक वाच्यार्थ यानी अविदार्थ, लक्षणा यानी लक्षक लक्ष्यार्थ, व्यंजना यानी व्यंजक व्यंग्यार्थ। पास का दौर मोहभंग का दौर है, क्रांतिकारी समय, क्रांतिकारी संघर्ष का समय है। हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध से लेकर धूमिल तक की कविताओं में जो तेवर दिखाई देती है, वही स्वर हमें पास की कविताओं में सुनाई देता है। वही स्वर हमें पास की कविताओं में सुनाई देता है। पास असल में समकालीन पंजाबी साहित्य के धूमिल हैं। जन विमुख व्यवस्था के प्रति पास के मन में भयंकर आक्रोश है। इस व्यवस्था के लिए उनके पास प्रश्न है और उनके उत्तर भी, जिज्ञासाएं हैं और उनकी पूर्ति भी, पर संदेह कहीं नहीं। सब कुछ साफ स्पष्ट है। धूमिल रोटी से खेलने वाले जिस तीसरे आदमी की खोज करते हुए देश की संसद से सवाल करते हैं और प्रत्युत्तर में उसे मौन पाते हैं, ठीक उसी प्रकार पास भी प्रश्न करते हैं। धूमिल कहते हैं कि रोटी और संसद कविता उनकी है धूमिल की। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी ही बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, मेरे देश की संसद मौन है। देखिए पास भी चेतना भाव पक्ष कला पक्ष के धरातल पर कहीं ना कहीं धूमिल से एकदम साम्य मेल खाएंगे। वे कहते हैं कि पास कहते हैं कि एक कविता में कि कौन है जो दूध गेहूं और कविता तक को हमारे खिलाफ हमेशा कर देता है। कौन है जो दूध गेहूं और कविता तक को हमारे खिलाफ हमेशा कर देता है। और एक कविता में पास उत्तर भी देते हैं, कहते हैं कि जहरीली शहद की मक्खी की ओर उंगली न करें, जहरीली शहद की मक्खी की ओर उंगली न करें, जिसे आप
छत्ता समझते हैं, वहां जनता के प्रतिनिधि रहते हैं। छत्ता यानी मधुमक्खियों की छत्ता। जिसे आप सत्ता समझते हैं, वहां जनता के प्रतिनिधि रहते हैं। पास जन सामान्य की घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा, गुस्सा, आक्रोश, पीड़ा, वेदनाएं, संवेदनाएं सब नजर आती हैं, जो गहरी संपृक्तता के बगैर संभव नहीं है। पास की निगाह जितनी पैनी थी, शब्द उतने ही मारक। उनकी दृष्टि उस कोने में भी जा ठहरी जो आज भौतिकतावादी समाज को नकारता है, जो जुझारू है, क्रांति लाना चाहता है, सजग है, जिसमें जिंदा दिली है। उनकी कविताओं से गुजरते हुए तमाम खिलाफ हवाओं से गुजरने जैसा है। देखिए, पास कहते हैं एक कविता में कि हम लूटे हुओं का दर्द तीन रंगों से गहरा है। हम लूटे हुओं का दर्द तीन रंगों से गहरा है, हमारी रूह का जख्म चक्र से भी बड़ा है। यहीं पर आपको धूमिल की याद आएगी, 20 साल बाद कविता में वो धूमिल कहते हैं कि क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है? क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? या इसका कोई खास मतलब होता है? पास की कविताएं महज कविताएं नहीं, बल्कि प्रज्वलित विचार हैं, जिसकी लौ में जाग जगमगाती साहित्य की पूरी दृष्टि दूरबीन से देख लेना चाहती है जीवन को। जिनकी कविताएं देख लेना चाहती हैं जीवन को। पास सबसे खतरनाक कविता में कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का न होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। वही एक बहुत प्रसिद्ध कविता है पास की, अब मैं विदा लेता हूं, अब मैं विदा लेता हूं। यह कविता तीव्रतम कोमल संवेदना की कविता है, जो पास के व्यक्तिगत जीवन को व्यक्तिगत रहने नहीं देती है, भीतर जिंदगी को गले तक जीने की बलवती इच्छा का इजहार करते हुए उनकी कलम से शब्द यूं फूटते हैं, यूं उतरते हैं। पास कहते हैं, मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी, उस कविता में, अच्छा नहीं, यूं यूं है कि मैंने एक कविता लिखनी चाहिए थी सारी उम्र, जिसे तुम पढ़कर रह सकती थी। उस कविता में तेरे लिए, मेरे लिए और जिंदगी के सभी रिश्तों के लिए बहुत कुछ होना था। मुझे जीने की बहुत लालसा थी, मैं गले तक जिंदगी में डूबना चाहता था। मेरे हिस्से का भी जी लेना मेरे दोस्त, अब मैं विदा लेता हूँ, अब मैं विदा लेता हूँ। अपने 21 वर्ष की काव्य यात्रा में अवतार सिंह सिंधु पास ने कविता के पुराने पड़े प्रतिमानों को तोड़कर खुद के लिए नई शैली तलाश ली थी। पास ने लगभग 125 कविताएं लिखी हैं, हम लोग जानते हैं। उसमें गहरी राजनीति है, जो पंजाबी तो क्या समूची भारतीय कविता के इतिहास में निर्विवाद रूप से सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेंगी। पास भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत मेरे सम्मान का महान शब्द, भारत मेरे सम्मान का महान शब्द, बल्कि सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। पास की कविताओं में चिंगारी है, जो शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज है। पास की कविताओं में एक चिंगारी है, जो शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज है और धर्मवाद एवं छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ आवाज है। उनकी कविताओं में किसानों के लिए आवाज है। वे किसान के बारे में लिखते हैं कि भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से नहीं संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर है, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है।
भारत के अर्थ किसी दुष्यंत से संबंधित नहीं, वरन खेतों में दायर हैं, जहां अन्न उगता है, जहां सेंध लगती है। उनकी कविता जो काव्य प्रतिभा है, उनकी काव्य प्रतिभा का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उन्हें पंजाबी भाषा में एक युग प्रवर्तक व एक नई धारा के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में देखा गया। वे संघर्ष के कवि हैं, उनकी कविता राहत और ताकत देती है, आगे जाने की उम्मीद और ऊर्जा देती है। उनके बारे में हिंदी के कवि आलोक धनवा ने कहा था कि पास जब आए थे 1988 में, तो एक ऐसा ग्रुप था वहां पर जो ऐसे लोगों को मारना चाहता है, जो सवाल ज्यादा पैदा करता है। आज भी ऐसे ग्रुप हैं। कैपिटलिज्म बिना पावर या सत्ता के नहीं चल सकता है, और कैपिटलिज्म को सबसे ज्यादा खतरा उससे है जो सवाल करता है, जो सवाल उठाता है। तो मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम लोग बरवर राव जी की कविता पर मिलते हैं। धन्यवाद।